नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के एनडीए की तरफ से जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर जब आज हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से बात की, तो दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। आज एनडीए की ओर से श्री महेश्वर हजारी जी माननीय 2400 का प्रस्ताव की सूचना उपाध्यक्ष पद के लिए हम सबों ने दिया है, और मेरा तो आग्रह रहेगा कि सर्वसम्मति से सदन कल जो निर्धारित तिथि है उस पर वो पारित करे, जिससे कि एक अच्छी परंपरा कायम रहे। विपक्ष भी अगर उम्मीदवार देगा तो मुश्किल होगी क्या? नहीं, हम तो विपक्ष से अपेक्षा कर रहे हैं कि इस तरह के पदों पर उनका भी सहयोग मिले, जिससे कि एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि यह पद बड़ा गरिमामय पद है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका सहयोग मिले। ठीक है, अभी समय है, हम लोग आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से भी आग्रह कर देंगे। सर, पुलिस बिल को लेकर जो है वो बड़ा होने वाला है, क्या उम्मीद है? विपक्ष से मांग करेंगे कि वो लोग ना मांग करें? मुझे लगता है कि विपक्ष को नामांकन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके बिलों कई लोगों से बातें हमारी हो रही थी तो बोल रहे थे, लेकिन अब देखिए क्या होता है, तो समय बताएगा। लेकिन ये भी सुनने में आया, तैयारी भी उनका चल रहा है, बैठक भी है उनका, तो मैं तो एक सब मैसेज दूंगा, क्योंकि विपक्ष का तो देख ही रहा है स्थिति। अच्छा होता है कि मैसेज पूरे देश को, दुनिया को देते कि हम लोग नहीं नामांकन कर रहे हैं। अब हाँ, देखिएगा घंटा के अंदर वो बैठक कर रहा है, शायद फिर भी वो करेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान हो, दोनों लोगों का कहना है कि एनडीए के तरफ से जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया है, और हम विपक्ष से यही आशा रखते हैं कि वो अपना जो समर्थन है वो दें और उन्हें ही बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाएं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एनडीए के तरफ से महेश्वर हजारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो ऐसे में क्या विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारती है या नहीं। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।